तो वेलकम बैक गाइस। चलो एक बार फिर से इस जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं इस बार कैसी जर्नी होती है। इस बार हम लोग जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ जर्नी करेंगे और हमारी जर्नी होगी मथुरा से वडोदरा के बीच। तो चलो यहाँ मैं सब सेटिंग कर लिया हूँ, स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो हमारे ओरिजिनल से स्टेशन मथुरा होगी और डेस्टिनेशन वडोदरा। और इस बार हम मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है जर्नी। ये आ गए हम अपने, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी प्लेटफार्म व्यू थोड़ा नाइट जैसा है। चलो कोई बात नहीं। डोर को ओपन करते हैं। चलो हम आ गए, अब गाड़ी स्टार्ट करें, हॉर्न दे दें, लाइट ऑन हो गया। चलो गाड़ी स्टार्ट हुए, हॉर्न भी दे दें। अपनी गाड़ी मथुरा से निकल पड़ी। जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है, देख रहे हो वाइट वाइट बोगी कोचेस है इसके। अपनी गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ती हुई। तो हमारी फर्स्ट स्टॉपेज रतलम है और ये अंदर का व्यू देखो कितना अच्छा व्यू है। सच में जन शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा इसका व्यू आ रहा है और ये हम कैनाल से होते हुए गुजर रहे हैं। तो चलो देखते हैं रतलाम हमारे फर्स्ट स्टॉपेज कैसा है, वहाँ पर देखते हैं सिटी हारा में जाते हैं। काफ़ी शानदार व्यू है जन शताब्दी एक्सप्रेस का, देख रहे हो वाइट वाइट एकदम लाइट दे रहा है। अगर यही कोई और कुछ सर्विस कोई और गाड़ी होती तो अभी के इस टाइम तो इतना अच्छा व्यू नहीं आता, क्योंकि ये जन शताब्दी एक्सप्रेस का कुछ वाइट है इसलिए लाइट आ रहा है अच्छा सा और गाड़ी क्लीन दिख शो हो रही है। ये स्टेशन यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है तो हॉर्न मारते हुए निकलते हैं। यहाँ पे स्टॉपेज छोटे मोटे स्टेशन पे हम नहीं रुक सकते हैं। देख रहा कितना अच्छा लग रहा है मुझे जन शताब्दी एक्सप्रेस का कोचेस, बहुत ही अच्छा एकदम ब्राइट वाइट वाइट चमक रहा है। और ये अंदर का व्यू देखो कितना वीआईपी लुक है। पूरी स्पीड में मैं इतना स्पीड दे दिया हूँ, टोटल को 100% में खींच कर छोड़ दिया हूँ। ये पेंटोग्राफ व्यू देखो, ये डैशबोर्ड का अंदर का व्यू पूरा एकदम काफ़ी सही चल रहे हैं हम लोग। ड्राइवर भी देख रहे हो। तो चलो अपनी गाड़ी एकदम अच्छे से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचती हुई। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट बताया करो मुझे नेक्स्ट जर्नी किस किस ट्रेन के साथ और कौन
कौन सी डेस्टिनेशन अच्छी होनी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए हम किस ट्रेन के साथ करें। तो ऐसे कोई बताएगा तो और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी होगा, क्योंकि देखने वाले को भी तो पसंद आनी चाहिए। चलिए स्टेशन पे भी स्टॉपेज नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि येलो सिग्नल हो गया है। येलो सिग्नल तो छोड़ो, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब रेड आई ही नहीं तो फिर रुकने का क्या फ़ायदा। मुझे लगा कि रेड हो जाएगा इसलिए हमने गाड़ी को रोक दिया। वैसे यहाँ पे कोई स्टॉपेज तो ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ये लोकोमोटिव काफ़ी अजीब लग रहा है, यही गाड़ी मालगाड़ी थी जिसकी वजह से सिग्नल येलो हो गया था। चलो ट्रैक साउंड इतनी इसका कितना ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है। अब हम लोग रतलाम पहुंचने वाले हैं। देख लो लोकोमोटिव का ये वाला कोचेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस का कोचेस वाइट लाइट बहुत चमक रहा है जिससे बहुत अच्छी लग रहा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टॉपेज पर पहुँचने वाले हैं और ये सिग्नल भी येलो हो गया, तो हम थोड़ा स्लो करते हैं। स्पीड को स्लो करते हैं क्योंकि अब हमें रुकना है। रतलाम पहुँच गए हम लोग। तो हम ट्रेन को रोकें, अभी स्टॉपेज आने दीजिए। चलो रोक देते हैं, ये पोर्टर घूम रहा है। चल दरवाज़ा ओपन कर दें, सब लोग उतरे चढ़ो। यार थोड़ा सर्दी हो गया है मुझे। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट स्टॉपेज। तो चलो लाइट ऑन कर दे सर, हॉर्न दे दे। चलो गाड़ी को आगे बढ़ा दें। अच्छा वो साइड में देखो, साइड में वो ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी हमें साइड से निकलती हुई। इसका लोकोमोटिव, हम दोनों का लोकोमोटिव, दोनों का कोचेस कुछ मैच कर रहा है। चलो देख अब नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा गोधरा है। ये देखो लोग कितना कोचेस पड़ा हुआ है ये सब साइड में। तो ट्रेन 18 भी साथ साथ चलती हुई, ट्रेन 18 को हमने पीछा कर दिया, पीछे छोड़ने वाले हैं। और हमारी गाड़ी ट्रैक पे आती हुई मेन लाइन।
रेस चल रहा है। हमने ट्रेन को पीछे कर दिया, हमारी गाड़ी पूरा ट्रैक पे ट्रैक चेंज करती। फिर से सिग्नल येलो हो गया, चलो रेड हो गया तो भगाते। अरे एक यहाँ पे ट्रेन एटीन है साइड में, देखो ये देखो, वाह बहुत ट्रेन एटीन चल रही है। दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हो कि हम नेक्स्ट जोनी के कौन कौन से स्टेशन के बीच करना चाहिए और ट्रेन कौन होनी चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी को सिलेक्ट करके प्ले करूँगा, ताकि इस तरह से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो ये देखो अंदर का व्यू देखो, काफी ब्यूटीफुल है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ, ये येलो सिग्नल हो गया, फिर लगता है मैं रुकना पे, क्योंकि स्टॉपेज गोधरा स्टॉपेज आने वाला है, तो हमें स्पीड को डाउन करना पड़ेगा। रेड भी हो गया तो हमें तो ये स्टॉपेज में रुकना ही पड़ेगा, तो अभी तो सिग्नल रेड हुआ है। स्टॉपेज परफेक्ट जगह पे हम स्टॉपेज करेंगे एकदम, चलो सही है। डोर को ओपन कर दें, चलो अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, हॉर्न देते हैं, चलो स्पीड बढ़ाते हैं। गोधरा जंक्शन से चलते हुए हम लोग आगे, अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन आने वाला है वडोदरा, लास्ट स्टॉपेज वहीं है। दोस्तों आप कमेंट में बताना कि मुझे कहां से कहां तक जर्नी करना चाहिए, जैसा भी जितना भी बड़ा हो, और ट्रेन भी बता सकते हो कौन होनी चाहिए। आप बताओगे तो थोड़ा मुझे उसका एक्सपीरियंस अलग ही आएगा। तो चलो इस वीडियो में तो छोटा ही जर्नी था वडोदरा स्टेशन, हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज डेस्टिनेशन, उसके बाद ट्रिप फिनिश। तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था ये वाला, कोई बात नहीं। आप बता सकते हो कि नेक्स्ट जर्नी किस किस स्टेशन के बीच होनी चाहिए, आप बताना, ठीक है। तो चलो ये वाला जानबूझकर मैंने शॉर्ट जर्नी किया हूँ, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, आ गया वडोदरा। कंप्लीटेड। तो ठीक है दोस्तों, बाय। अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में जर्नी कौन सी होनी चाहिए, किस किस स्टेशन के लिए, तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। 1 2 0 7 7 शताब्दी।